हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑसम फूड में। और मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बिहार की प्रसिद्ध लिट्टी चोखा या फिर बाटी चोखा की रेसिपी। वो भी चटपटे भरता और चटनी के साथ भी मैंने इसे बनाकर तैयार किया है। फ्रेंड्स, ये खाने में बेहद लजीज लगता है। आप जिसको भी ये खिलाओगे बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। और एक ख़ास बात, अगर आपकी इसकी फिलिंग बनाने के लिए सत्तू नहीं है तो मैंने इसमें सत्तू भी बनाना बताया है घर पर आपको। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं फ्रेंड्स। उसके पहले अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है। एक बाउल में 2 कप आटा ले लेंगे और आटा में हम 2 बड़े चम्मच घी डालेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप मोयन दे सको तो घी का दीजिए, क्योंकि इससे बाटी का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप तेल का मोयन ना दें। इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए, आटे में अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे। यहाँ पर आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करें, बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल ना करें। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम एक नॉर्मल सा आटा बनाकर तैयार कर लेंगे गूंथकर। आपको इसे बहुत ज़्यादा गूंथना नहीं है, बस हाथ से ऐसे बाइंड करते जाना है। इससे हमारी बाटी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी और खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। ये देखिए, इस तरह से हमने आटा बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा पानी हम लगाकर इसे लगभग 1 घंटे के लिए रेस्ट करेंगे, ढककर रख देंगे ताकि आटा अच्छे से हमारा फूल जाए। आप इसे ज़रूर 1 से आधे घंटे के लिए ज़रूर इसे रेस्ट कराएं, इससे बाटी बहुत ज़्यादा बढ़िया बनती है। अब मैंने यहाँ पर 1 बैंगन लिया है भरता वाला, 2 टमाटर और 1 लहसुन की पूरी कली लिया है। अब इसे कट करके हम चेक कर लेते हैं सबसे पहले कि हमारा बैंगन अंदर से ख़राब तो नहीं है। ये देखिए, ये बिल्कुल ख़राब नहीं है, एकदम बढ़िया बैंगन है। दूसरी तरफ से आप चेक कर लीजिए। फ्रेंड्स, जब भी आप बैंगन का भरता बनाएं, इस तरह से आप कट लगाकर ज़रूर चेक कर लें कि बैंगन अंदर से ख़राब तो नहीं है। अब ऊपर से एक ब्रश की हेल्प से हम ऑयल लगा लेंगे ताकि जब हम बैंगन को भूनेंगे तो ये बिल्कुल भी जले नहीं और अच्छे से अंदर तक पक जाए। आप चाहो तो हाथ से भी लगा सकते हो, बट मैं यहाँ पे ब्रश से लगा रही हूँ। टमाटर पे भी हम इस तरह से लगा लेंगे ऑयल। आप कोई भी तेल यहाँ पे लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे सरसों का तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि जब भी आप चोखा बनाओ तो उसमें सरसों का तेल से आप सारी चीज़ें करोगे तो टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अब एक स्टैंड पर हम गैस को रख देंगे और इस तरह से इसको बैंगन टमाटर लहसुन रख देंगे और इसे अच्छे से मीडियम फ्लेम पर हम कुक करेंगे जब तक कि हमारी सारी चीज़ें अच्छे से पक नहीं जाती हैं। इसे हम बीच बीच में पलट पलट कर कुक करेंगे ताकि एक तरफ से ये जले नहीं और अच्छे से ये पकती रहे सारी तरफ से। ये देखिए, लहसुन हमारी पक गई है। लहसुन की पहचान है, जब ये पक जाएगी तो इसकी कलियां खुलने लगती हैं। तो आप समझ जाइए कि लहसुन अंदर तक पक गया है अच्छे से। टमाटर भी हमारा अच्छे से भुन गया है, इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। बैंगन 1 से 2 मिनट और भुनेंगे। ये देखिए, बैंगन भी हमारा भुनकर तैयार हो गया है। इसे नाइफ से दबाकर आप चेक कर लीजिए, ये बिल्कुल तैयार है। अब इसी बर्नर पर हम 2 उबले आलू लेंगे और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेंगे, इसे भी हम भून लेंगे। फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे घर में बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं होती है आजकल के माहौल में कि हम आग जलाएं, तो इस तरह से जब आप गैस पर रोस्ट कर लोगे तो बिल्कुल आग में भुना हुआ आपको ये बैंगन का भरता का स्वाद आएगा। अब सारी चीज़ों को अच्छे से हम पहले छील लेंगे ठंडा करके। ये देखिए, ये छील गई है। अब एक बाउल में हम सारी चीज़ों को लहसुन टमाटर बैंगन और आलू को डाल देंगे। आप चाहो तो यहाँ पे चाकू की सहायता से भी इसे बारीक चॉप कर सकते हो, पर मैं यहाँ पे मैसर की हेल्प से इसे अच्छे से मैश कर दूँगी ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिल जाएं। ये बिल्कुल अच्छे से मैश हो गया है। अब हम आगे के इन्ग्रीडियंट इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप हरा धनिया को बारीक काट लिया है, उसे डाल देंगे। 1 बड़ा प्याज को बारीक काट लिया है। यहाँ पे मैंने सफ़ेद वाला प्याज इस्तेमाल किया है, बट आप कोई भी प्याज इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 से 4 हरी मिर्च को बारीक काट लिया है। कि जो अदरक भुना था उसे भी घिस के डाल देंगे। नमक स्वाद के अनुसार डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच में भुना हुआ जीरा का पाउडर डाल रही हूँ। 1/2 छोटा चम्मच नींबू का जूस डाल देंगे। 1 से 2 बड़ा चम्मच मैं यहाँ पे सरसों का तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप इस भरते को और भी ज़्यादा चटपटा बना सकते हैं, बनाना चाहते हैं, तो इसमें 1 छोटा चम्मच आप लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, बट मेरे लिए इतना इनफ है। अब इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा सुपर टेस्टी देखने में कितना बढ़िया लग रहा है, भरता बनकर तैयार हो गया है। अब चलिए इसकी चटनी बना लेते हैं। एक छोटा प्याज, 8 से 10 मैंने लहसुन की कली, 2 से 3 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और हरा धनिया। यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून नारियल ले रही हूँ, उसे घिस के डाल दिया। नमक स्वाद के अनुसार, 1 छोटा चम्मच रोस्टेड जीरा, भुना हुआ जीरा, 1 बड़ा चम्मच पानी डाल दे रही हूँ ताकि अच्छे से ये पिस जाए। ये देखिए हमारी चटनी बनकर बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गई है। इसे एक कटोरी में हम निकाल लेंगे। अब चलिए हम बाटी बनाने के लिए उसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग मैं घर पे सत्तू बना रही हूँ, इसलिए एक पैन ले लेंगे। एक पैन में हम 3 बड़े चम्मच बेसन डाल देंगे। 2 बड़े चम्मच मैं यहाँ पे जौ का आटा डाल रही हूँ। अगर आपके पास जौ का आटा नहीं है तो आप सिर्फ नॉर्मल बेसन से ही बना सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। पर अगर आपके पास जौ का आटा है तो ज़रूर डालें। अब इसे अच्छे से 3 से 4 मिनट तक हम मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से हमारी भुन जाएँ, इसका कच्चापन पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। कि देखिए 3 से 4 मिनट हो गया है और हमारा बेसन और जौ के आटे का कलर भी चेंज हो गया है, इसमें बढ़िया सी खुशबू आने लगी है। अब एक कटोरी में इसे निकाल कर हम ठंडा कर लेंगे। फिर मैं इसमें 2 टेबल स्पून प्याज डाल रही हूँ। अगर आप लंबे समय तक बाटी बनाकर रखना चाहते हैं तो आप प्याज ना इस्तेमाल करें ना ऐड करें। 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च, नमक स्वाद के अनुसार। यहाँ पर मैं 1 बड़ा चम्मच आम का अचार का मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मेरा होममेड आम का अचार मैंने बनाया था, उसका मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ। 1/2 छोटा चम्मच मैं अजवाइन डाल दे रही हूँ हाथ से क्रश करके, इससे फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। पहले मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालूँगी, इससे हमारी बाटी का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये अच्छे से बाइंड भी हो जाता है। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच हरा धनिया डालूँगी और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमारी फिलिंग बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। अब चलिए जो हमने पहले आटा तैयार करके रखा था उसे ले लेते हैं। हाथ से उसे 1 से 2 मिनट अच्छे से मसल लेंगे। फिर हमें जितनी बड़ी साइज़ की बाटी बनानी है उसके अकॉर्डिंग हम लोइयाँ काट लेंगे। मैंने यहाँ पे 1 बार की बाटी बनाने के लिए लोई काट कर तैयार कर ली है। अब किनारे अंगूठे की हेल्प से हम पतला कर लेंगे और बीच में ये मोटा रहने दीजिए। अब 1 बड़ा चम्मच बीच में हम सत्तू डाल देंगे बाटी की स्टफिंग, ऐसे ऊपर अच्छे से हम बंद कर देंगे इसका मुंह चारों तरफ से और हाथ से रोल करके इसको बाटी का शेप दे देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स कितना ईजिली ये बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से हम अपनी सारी बाटी को बनाकर तैयार कर लेंगे। हमने सारी बाटी को बनाकर तैयार कर लिया है 1 बार के तलने बनाने के लिए। अब चलिए देख लेते हैं इसको बनाना कैसे है। सबसे पहला तरीका कि आप इस तरह से स्टैंड ले लीजिए और गैस पे गैस की बर्नर ऑन कर दीजिए। इसके ऊपर अपनी बाटी को रखकर सेक लीजिए बढ़िया से। या दूसरा तरीका, इस तरह से आप आपे पैन ले लीजिए और इसमें थोड़ा सा घी डाल के हम बाटी को अपने सेकेंगे। तो मैं यहाँ पे पैन में ही बाटी को आज सेकने वाली हूँ। आप चाहो तो कढ़ाई या कुकर में भी बाटी को रोस्ट कर सकते हो, सेक सकते हो, बट मैं यहाँ पे आज आपे में बना रही हूँ। इससे बाटी हमारी बहुत अच्छी बनती है और बढ़िया से फूल भी जाती है। आंच को हम एकदम धीमा रखेंगे, आंच को आपको कहीं भी तेज़ नहीं करना है। इसको धीमी आँच पर कुक करेंगे 7 से 8 मिनट तक। ऊपर से थोड़ा सा घी लगा देंगे। अब इसे ढककर हम कुक करेंगे। बीच बीच में हम चारों तरफ से इसे चलाते रहेंगे ताकि ये हर तरफ से अच्छा सा कलर आने तक सिक जाए। अभी आप देखोगे बाटी हमारी फूल भी जाएगी बढ़िया से। इस तरह से आप चारों तरफ से चलाते हुए इसे सेकें। ये देखिए साइज़ में कितनी बड़ी हो गई है, फूल कर बढ़िया से। आप देख सकते हो लुक वाइज कितनी बढ़िया दिख रही है। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी बाटी सीककर बढ़िया से चारों तरफ से तैयार हो गई है। ये बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। अब एक प्लेट में हम इसे निकाल लेते हैं। तो देखा फ्रेंड्स कितने आसानी से घर पर आपने बाटी चोखा और चटनी की रेसिपी देख ली। फ्रेंड्स ये खाने में भी बहुत अच्छा लगता है, जब आप इसे ट्राई करोगे तब आपको पता चलेगा कि खाने में कितना अच्छा लगता है।
अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। अगर आप मेरे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ पर मुझे फॉलो कर लीजिए। फ्रेंड्स, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर करिए ताकि उन्हें भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के बारे में जानकारी मिलती रहे। अपने फीडबैक मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।